अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने हज़रत अली को अदल व इंसाफ़ करने का पावर अता किया। वो जब भी किसी भी चीज़ पर हुक्म कर देते तो वो चीज़ उसके हुक्म को मानती। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा अगर हवाओं को हुक्म दे देते बहने का चलने का तो हवाएं उनके हुक्म को मानती। वो ज़मीन को हुक्म देते तो ज़मीन उनके हुक्म को मानती। वो किसी भी चीज़ को परिंदे को जानवर को किसी भी चीज़ पर अगर वो कोई चीज़ कह देते तो वो चीज़ उनके हुक्म को मानती, उसके बातों को टालती नहीं। तो जब मिस्र का एक वाकया है कि जब मुसलमानों की बारी आई मिस्र को फतह करने की, तो मिस्र में दरियाए नील का एक सिस्टम था। सालों से ये सिस्टम चला आ रहा था कि जो दरियाए नील है मिस्र में जो मौजूद है उसमें हर दो महीने में एक औरत को बहुत ज़र ज़ेवरात पहनाकर उस पर बलि दी जाती थी, तब वो दरिया जो है वो बहती थी, तब वो दरिया चलती थी। तो जब मुसलमानों को फतह करने की बारी आई तो उस वक्त के गवर्नर ने कहा कि मुसलमान तो इस तरह की बलि देने वाली बातें और इस तरह की बेतुकी बातों पर यकीन नहीं रखता, तो फिर क्या किया जाए। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़त लिखा, दरिया को एक ख़त लिखा जिसमें ये लिखा था कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलना चाहती है तो चल, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहना चाहती है तो बह, वरना मुझे हम लोगों को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लिखकर आपने वो ख़त को दरिया में डाल दिया और जब से वो ख़त दरिया में डाला तब से वो दरिया जो है वो बहना शुरू कर दी और तब से लेकर अब तक वो इसी तरह बहती रही है। तो ये थी करामात हज़रत अली की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। और इंसाफ एक ऐसा चीज़ है कि जब रोज़ महशर हर इंसान कड़ी धूप में होगा और हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, उस वक्त अल्लाह ताला उस इंसान को, कुछ इंसान को अपने अर्श का ठंडा साया अता करेंगे। उसमें सबसे पहला इंसान वो होगा जो अदल व इंसाफ करता हो। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बदकारियाँ होती है, जहाँ पर हराम कारियाँ होती है, लेकिन वहाँ का जो इंसाफ का सिस्टम होता है, वहाँ पर का जो जस्टिस सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही मतलब पावरफुल होता है। इसलिए वो जगह बर्बाद नहीं होती, उस वो जगह आबाद रहती है। आप घर में देखिए, ऑफिस में देखिए, स्कूल में देखिए, जहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है बच्चों के बीच में, अगर ऑफिस है तो बॉस अगर अपने क्लाइंट के बीच में भेदभाव करता है, किसी को ज़्यादा सैलरी देता है, किसी को कम देता है, तो फिर लोग वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते। अगर एक ही घर में अगर बच्चों के दरमियान में मतलब नाइंसाफ़ी की जाए तो बच्चे आपस में एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। तो इंसाफ का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मतलब आप इसको अप्लाई करें और नाइंसाफ़ी ना करें। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वालों को जहन्नम में जगह देते हैं और इंसाफ का एक बहुत ही अलग ही मुकाम है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त और वक़ार से नवाजते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो इंसान इंसाफ पसंद होता है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।